तो दोस्तों आज हम खड़े हैं किया सोनेट के सामने और ये जो मॉडल है किया का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है। तो आज ही इसको देखेंगे। यहाँ पे आप गाड़ी को लुक देख सकते हैं, रेड कलर का है। फ्रंट में काफ़ी सारे ग्रिल्स और बहुत ही अच्छी जाली मिल जाती है। नीचे फॉग लैंप्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको DRL मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेड लैंप्स के साथ वाइट कलर के। रेड एडिशन में ये गाड़ी है ना, और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ भरपूर है। तो आप कुछ देख सकते हैं, इस तरह का ये लुक आता है किया का लोगो फ्रंट में। एंड फॉग लैंप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एंड आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 7OCD ऑटोमेटिक फोल्डेबल कंट्रोल, रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो गाड़ी का लुक आप यहाँ से देख सकते हैं। बैक से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको GDI का लोगो मिल जाता है और किया का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेल लाइट्स लैम्प पीछे पूरी लाइट्स आपको मिल जाती है बैक में, और सोनेट का यहाँ पे लोगो मिलता है। देन यहाँ पीछे से देखेंगे तो आपको डीफॉगर मिल जाते हैं इस मॉडल में, ठीक है। और ये तो एक तरह से टॉप मॉडल नहीं कहलाएगा। शार्क फिन एंटीना के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप पीछे से देखेंगे तो बैक वाइपर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको टॉप मॉडल में आता है। एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पा सकते हैं जो कि आप गाड़ी के पास देख पा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें, चलते हैं गाड़ी के थोड़ा अंदर के लुक को देखते हैं कि किस तरह से अंदर का जो लुक है वो होता है। गाड़ी को जैसे ही ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह सोनेट में आपको डोर में सारे कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है लेदर में, पावर विंडो चारों और लॉक बटन, और इसके बाद ऑटो फोल्डेबल कंट्रोल और OEBM कंट्रोल मिलते हैं। पुश स्टार्ट का बटन आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है ना। इसके बाद आप यहाँ पे फ्रंट में देख पा रहे होंगे स्टेयरिंग में क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, सारे कंट्रोल क्रूज़ के मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल में दोनों तरफ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमिंग कंट्रोल को AC मिल जाता है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ऑटोमेटिक कार है, तो जैसे कि सेकेंड टॉप है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक छोटा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिल जाती हैं। तो ये देखिए आप ये कि ऑटोमेटिक गाड़ी कहलाइए एक तरह से। पार्किंग रिवर्स और इसके बाद न्यूट्रल और ड्राइव के ऑप्शन मिल जाते हैं। डैशबोर्ड में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आपको मिल जाती है इसमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी की प्राइस रेंज की बात करें तो 12-12.5 लाख रुपए इसका प्राइस रेंज है। पेट्रोल में ये गाड़ी अवेलेबल है, डीजल में भी ये अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लच जो है आता नहीं है इसमें, आपको सिर्फ एक्सलेटर और ब्रेक अवेलेबल रहेंगे। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे लेदर सीट मिल जाती है जो कि एयर प्योरीफायर के साथ नहीं आती है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आप देख पा रहे हैं। बैक से अगर गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर में पावर विंडो का बटन मिल जाएगा, लेदर फिनिश मिल जाएगी, बॉटल होल्डर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैक में देखेंगे तो AC मिल जाती है और एक USB-C टाइप का चार्जर नीचे मिल जाता है। और पीछे की ऑप्शन में देखेंगे तो पीछे भी काफ़ी अच्छे स्पेस है, लेदरिंग में तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीनों सीट में पीछे की। फ्रंट से आप गाड़ी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से तो कुछ इस तरह से लुक आता है गाड़ी का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और अगर आप लेना चाहते हैं मॉडल तो ज़रूर देखें।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।